बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में हो रहा है और इस समय वही मौजूद है और आप पंडाल देखेंगे यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे हैं, भक्त पहुंचे हुए हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये लगातार सुन रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मथुरा से आया हूँ। क्या नाम है? कौशल किशोर गौतम मेरा नाम है। सुनने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो रोज आ रहे हैं। हाँ हम रोज ही आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बस प्रभु की भक्ति में मगन हो जाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। सारी व्यवस्था बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाबा का जो भंडारा चल रहा है वो आपने चखा नहीं अभी? अभी नहीं। चखेंगी? बाबा से पहले दर्शन करें, उनकी धूल पहले मैं दर्शन करूँ। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग सरफाबाद से आए हैं। सरफाबाद से? हाँ, नोएडा से। तो रोज आ रही है क्या? हाँ, कल आए हम लोग, कल रात में आए हैं। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर प्रसाद प्रसाद खाया आपने? हाँ हाँ खाया, कल रात में खाया, बहुत अच्छा है। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हम तो लीन हो गए भक्ति में। बालाजी सरकार की उसमें भक्ति में लीन हो गए। हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस इसमें लीन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी वही बालाजी हैं, उन्हीं के रूप में बालाजी हैं। अच्छा लग रहा है कार्यक्रम? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था सबसे बढ़िया है, बेस्ट है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में पधारे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। हम इसीलिए सहयोग के लिए आए हैं और हम कथा भी सुनने आए हैं और बाबा का दर्शन करेंगे, यहाँ का आनंद ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा। पूरे हिंदुस्तान में डंका बजनी चाहिए, हिंदुस्तान को एक होना चाहिए, सभी जन जन को एक होना चाहिए। व्यवस्था कैसी है? सबसे बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी है व्यवस्था। बाबा को सुनने आए आप लोग? हाँ, बाबा को सुनने ही आए हैं। सारी व्यवस्था अच्छा है। कथा कैसी लगी? बढ़िया लगी। कथा भाग्य वाले हैं जो हमारे ग्रेटर नोएडा में हमारे गुरुजी पधारे हैं, इससे ज्यादा हमारा भाग्य क्या है। आप बताइए आप क्या कहना है? मुझे तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है जो हम बाबा के मुख से श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ का ये मतलब सुन रहे हैं, ये अमृत वर्षा हो रही है। अगर हमारे घर में 5 आदमी भी आ जाए तो हम चिंतित हो जाते हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था करना शैलेंद्र भाई के लिए बहुत अच्छी बात, गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। हम बाबा के और सनातन धर्म के साथ हैं, सनातन धर्म की जय। जाहिर तौर पर देखिए ये तमाम भक्त और श्रद्धालु पहुँचे हैं, भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। 10 तारीख से 16 तारीख तक ये कार्यक्रम होना था, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और सभी लोग इस संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं, बच्चे पहुंचे, बुजुर्ग पहुंचे, सभी वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं और यहां पर कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए। और आपको बता दें 3.5 लाख स्क्वायर फीट में ये जो है पंडाल बनाया गया और आप देखेंगे कि खचाखच भरा हुआ है, लोग यहाँ मस्तमगन है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार सुनने के लिए दूर दूर जगहों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कैमरामैन जगदीश चतुर्वेदी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18। आप सभी कथा का श्रवण।